देश की राजधानी दिल्ली में बीते दिनों सुबह स्कूल जा रही 12वीं की छात्रा पर एक शोहदे ने तेजाब फेंक दिया। खबर ये है कि आरोपी ने पहले ऑनलाइन तेजाब खरीदा, फिर प्लान कर अटैक किया। इस मामले में महिला और मानवाधिकार आयोग ने ऑनलाइन तेजाब बिक्री के लिए कंपनियों को नोटिस जारी किया है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब देश में पहले से ही इतने सख्त कानून है, तो ऑनलाइन कंपनियों से किसी भी व्यक्ति को तेजाब कैसे मिल रहा है, और अभी तक इस तरह की बिक्री पर इसके पहले एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्या इस तरह के हादसे का इंतजार किया जा रहा था? हमारे जानने के लिए सवाल और भी कई हैं, जैसे कि तेजाब बिक्री को लेकर भारत में नियम और कानून क्या है? अगर इन कानून को अनदेखा किया जाएगा तो आरोपियों के लिए किस तरह के दंडों का प्रावधान है? पीड़ित के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, और ऑनलाइन विक्रेताओं पर किस कानून के तहत एक्शन लिया जाएगा? तो लेते हैं हमारा पहला सवाल कि देश में तेजाब बिक्री से संबंधित नियम कानून क्या है। दरअसल साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मी बनाम भारत संघ वाद का निर्णय सुनाते हुए एसेट की बिक्री के लिए कुछ नियम तय किए थे, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को इन नियमों के पालन के लिए निर्देश भी दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार ने एक परामर्श जारी किया था। इस परामर्श में तेजाब बिक्री को रोकने के लिए और पीड़ितों के पुनर्वास के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई थी, और कहा गया था कि तेजाब से होने वाले हमलों में कमी लाई जाए और पीड़ितों के उपचार की व्यवस्था की जाए, साथ ही तेजाब हमलों के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए प्रभावी कदम उठाए जाए। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तेजाब बिक्री के जो मानक बताए हैं वो क्या क्या हैं। तेजाब बिना लाइसेंस के नहीं बेचा जा सकता। लाइसेंस के बाद भी तेजाब को एक सीमित मात्रा में ही बेचा जा सकता है। अगर दुकानदार मानक से ज्यादा तेजाब रखेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। तेजाब खरीदने वाले की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तेजाब खरीदने वालों को दुकानदार के पास उसका पहचान पत्र जमा कराना होता है, साथ ही वह तेजाब खरीदने का कारण भी लिखवाएगा। विक्रेता को 15 दिनों के भीतर SDM के यहाँ अपने एसेट के स्टॉक को बताना होगा। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों को ₹50,000 का जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर तेजाब बिक्री से संबंधित कानून की बात की जाए तो तेजाब बिक्री राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार का विषय है, और पॉइजन एक्ट 1919 के तहत राज्य सरकार को धारा 6 के तहत सजा को बढ़ाने और जुर्माना लगाने का भी अधिकार है। इसके साथ ही पुलिस और लोक व्यवस्था भी राज्य का विषय है, तो इस कानून का पालन करवाने का भी अधिकार राज्य को ही है। इसलिए तेजाब बिक्री के लिए उठाए जाने वाले कदम भी राज्य सरकार के ही दायरे में आते हैं। बहुत से राज्यों में इसकी बिक्री के लिए कानून बनाए गए हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 2 क्लॉज 9 के तहत उपभोक्ता अधिकार सुरक्षा का अधिकार भी शामिल है। यह अधिकार ऐसी वस्तुओं, उत्पादों या सेवाओं के विक्रय के खिलाफ प्राप्त है जो जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पूरे देश में लागू होता है, इसलिए एसेट की बिक्री के खिलाफ भी यह अधिकार देश की पब्लिक को मिला है। अगर ऑनलाइन बिक्री की बात करें तो उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 की धारा 4 क्लॉज 3 के अनुसार कोई भी ई कॉमर्स यूनिट किसी भी तरह का ऐसा अनुचित व्यापार या व्यवहार नहीं कर सकती जो देश हित में ना हो। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन से कानून के तहत ऑनलाइन कंपनियों पर कार्यवाही की जा सकती है। चूंकि ऑनलाइन कंपनियां पूरे देश में व्यापार कर रही हैं, इसलिए इन पर उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत कार्यवाही की जाएगी, और इसी कानून का प्रयोग करते हुए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने ऑनलाइन कंपनियों को नोटिस जारी किया है। अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं, जिसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एसिड अटैक जैसे अपराध से किस कानून के तहत निपटा जा सकता है, और इसके लिए कम से कम कितनी सजा दी जा सकती है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ।